इन योर इंस्टाग्राम सक्सेस। यस गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ टू क्रिएट द परफेक्ट इंस्टाग्राम बायो इन जस्ट 4 सिंपल स्टेप्स। यू नो आई ऑलवेज से यू कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जस्ट ट्रीट योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल एज अ शॉप। जैसे आप अपनी शॉप को डेकोरेट करते हो टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, सो इन द सेम वे यू हैव टू ट्रीट योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल एज अ शॉप। और इन ऑर्डर टू लाइक अट्रैक्ट मोर यूजर्स, इंस्टाग्राम बायो वो पहली चीज होती है जो कि यूजर आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आकर देखता है। एंड मेनी पीपल डोंट फोकस ऑन द इंस्टाग्राम बायो, वो कुछ भी इंस्टाग्राम बायो में 2-3 सेंटेंसेस इंक्लूड कर देते हैं। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियर, इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग अ परफेक्ट इंस्टाग्राम बायो, सो यू आर मिसिंग अ लॉट्स ऑफ चांसेस। लाइक लोग आपकी प्रोफाइल पे आएंगे तो, बट दे विल नॉट फॉलो यू। तो अगर आपको भी बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए, इफ यू ऑल्सो वॉन्टेड टू कन्वर्ट योर प्रोफाइल विजिटर्स इन टू फॉलोअर्स, सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल 4 स्टेप्स में बताऊंगी कि आपको एक परफेक्ट इंस्टाग्राम बायो कैसे क्रिएट करनी है। एंड मोर ओवर इट वुड बी अ प्रैक्टिकल वीडियो, कैसे कीवर्ड यूज करना है। ऑब्वियसली इंस्टाग्राम बायो के अंदर करेक्टर लिमिट होती है, तो हाउ टू यूज दैट करेक्टर लिमिट, हाउ टू डिफाइन योर स्टोरी, कीवर्ड यूजेज, CTA एंड एवरीथिंग, जिसकी वजह से यू विल गेट डबल एंड ट्रिपल फॉलोअर्स। सो इफ यू वॉन्टेड टू नो एंड ऑल्सो यू वॉन्टेड टू क्रिएट अ परफेक्ट इंस्टाग्राम बायो, सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज, आई रियली वॉन्टेड यू टू नोट डाउन दीज 4 सिंपल स्टेप्स, क्योंकि इन 4 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इन स्टेप्स को नोट डाउन करना। So let's get started. So hello everyone, welcome to my YouTube channel Digital Shivani. And before starting this video, I will request you that my new Instagram account has been launched, as you guys know. So the link is in the description. अगर आपने मेरे अकाउंट को अभी तक फॉलो नहीं किया है, सो यू कैन चेक आउट माय अकाउंट एंड यू कैन फॉलो मी, एज आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन माय Instagram अकाउंट एंड आई कीप शेयरिंग दी टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू दी डिजिटल मार्केटिंग डेली। So let's get started. So as I told you that this would be a practical video, मैं आपको खुद examples के साथ बताऊंगी कि आपको एक perfect bio कैसे create करनी है. So let's move into my mobile screen. So hello everyone. So let's start. तो सबसे पहले आप अपनी profile पे जाओगे. अब हम सबसे पहले, मैं आपको उन 4 steps बताने से पहले आपको एक बहुत ही अच्छी tip देना चाहती हूँ जो कि आप include करोगे अपनी bio में. आपको सबसे पहले दिखता है name tag. सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियर गाइज कि जो ये नेम टैग होता है, ये सर्चेबल होता है। सर्चेबल का मतलब क्या होता है, मैं आपको भी एक्सपेरिमेंट कर, मतलब आपको भी प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। लाइक मान लो कि कोई नया स्टार्ट कर रहा है इनटू डिजिटल मार्केटिंग, उसको नहीं पता शिवानी कौन है, राइट? उसको मेरा नाम नहीं पता होगा, तो मे बी वो कीवर्ड सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, तो उसको उससे रिलेटेड पेजेस चाहिए, राइट? सो इसीलिए इफ यू इंक्लूड द कीवर्ड ऑफ योर इंडस्ट्री इन योर नेम टैग, आप जिस भी चीज़ के लिए रैंक करना चाहते हो उस कीवर्ड को आप अपने नाम के साथ इंक्लूड करो। लाइक अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, लाइक फॉर एन एग्जांपल आप रिया, तो रिया स्लैश मेकअप आर्टिस्ट। अगर आप जिम ट्रेनर हो तो आप जिम ट्रेनर, बिजनेस कोच, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग। सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अगर आपको सर्चेज में आना है, सो इंक्लूड द कीवर्ड इन योर नेम टैग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके, लाइक मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप सर्च बॉक्स में गए, आपने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग, तो आप देख सकते हो कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, तो जिस जिस के नेम टैग में डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वो वाले सारे पेजेस ऊपर रैंक कर रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी द पावर ऑफ इंक्लूडिंग द कीवर्ड इन योर नेम टैग। सो इन स्टार्टिंग, ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो तो लोगों का आपका नेम नहीं पता होगा, सो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने नेम टैग के अंदर एक कीवर्ड इंक्लूड करो, सो देयर विल बी मोर चांसेस दैट व्हेन यू विल पॉप out whenever somebody will be searching related to your industry. So this was the bonus tip which I can give you. So now let's move towards the bio. तो आप पहले bio पे click करोगे, आप यहाँ पे मेरी bio देख सकते हो। तो मैंने आपको कहा था कि I will be giving you 4 simple steps. So guys, I want you to write down these 4 steps. So let's move. First step, आप कौन हो? Who are you? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, ऐसे ही आप कौन हो, राइट? अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप लिख सकते हो कि आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई एम अ ब्राइडल आर्टिस्ट, या फिर आई एम अ जिम ट्रेनर। तो हु आर यू? आप कभी भी आपके पेज पे कोई आता है तो आपको आपका इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है, राइट? कि आप इस इंडस्ट्री में, मतलब ये पेज किस चीज़ के ऊपर है।
तो जैसे कि मैंने बिल्कुल क्लियर लाइन में लिखा है दैट आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट. सो दिस वॉज द सिंपल स्टेप कि पहले स्टेप में आपको लिखनी है हु आर यू. करेक्ट. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्टेप नंबर टू, दैट इज व्हाई पीपल शुड फॉलो यू. कि अगर वो आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है वो आपको फॉलो क्यों करेगा. राइट. व्हाई ही शुड फॉलो यू, व्हाई ही और शी शुड फॉलो यू. आपको उसको एक एग्जैक्ट रीजन देना है. जैसे कि आप मेरी बायो में देख सकते हो मैंने लिखा है लर्न डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एंड ग्रो योर ब्रांड. इसका मतलब कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की टिप्स देती हूँ और लोगों को हेल्प कर रही हूँ कि वो अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कर सके एंड दे कैन ग्रो योर ब्रांड. तो मैंने एक एग्जैक्ट लाइन में बता दिया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की टिप्स देती हूँ. तो वाई पीपल शुड फॉलो यू, आप उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हो. राइट. आपकी नीच स्टेटमेंट क्या है, हाउ यू कैन हेल्प देम. लाइक इफ यू आर मेकअप आर्टिस्ट तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट आई कैन हेल्प यू इन द मेकअप ट्यूटोरियल्स, लाइक इन द मेकअप वीडियोज और इन द फैट लॉस. जो भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिस भी चीज से रिलेटेड आपने ये पेज क्रिएट किया है, आपको आपकी सेकेंड लाइन में वो लिखना है. सो दिस वॉज अ स्टेप नंबर टू that why people should follow you. So you have to give the exact reason ki how you are going to solve their problem. Aap kaise unki problem ko solve karoge. So now let's move towards the step number three. That is your success story. अब सक्सेस स्टोरी लिखना इतना ज़रूरी क्यों है. ये इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप लोगों का ट्रस्ट गेन कर सको, लोग आपको जान सके कि आपने अपनी जर्नी के अंदर क्या अचीव किया है. योर सक्सेस स्टोरी कैन बी एनीथिंग. यू हैव अचीव अवार्ड, आपको कोई अवार्ड मिला हो, कोई ई बुक हो, या आपके 400 मिलियन व्यूज़ हैं यूट्यूब पे, या आपके लिंक्डइन पे इतने फॉलोअर्स हैं, या एनीथिंग रिलेटेड टू योर सक्सेस स्टोरी. आपका कोई ई बुक है, कोई कोर्स है, और आपके फेसबुक पे बहुत फॉलोअर्स हैं, या फिर आपने इतनी कंसल्टेशंस की हैं. तो आप मेरी बायो में देख सकते हो मैंने सिंपल लाइन में लिखा है डन 100+ कंसल्टेशंस. इसका मतलब अगर किसी को भी कंसल्टेशन चाहिए तो आई एम गिविंग देम दी एग्जैक्ट लाइन कि मैं ऑलरेडी 100+ कंसल्टेशंस कर चुकी हूँ. सो इसकी वजह से द पीपल विल बी हैविंग अ लिटिल बिट ट्रस्ट कि ओके शी हैज़ डन ऑलरेडी 100+ कंसल्टेशंस, सो वी कैन गो फॉर हर कंसल्टेंसी. राइट. सो दैट इज द पॉइंट कि आपको आपकी सक्सेस स्टोरी लिखनी है जिसकी वजह से योर अथॉरिटी विल बी इंक्रीज्ड, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ जाएगा और आपका कन्वर्जन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा. राइट. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फाइनल स्टेप गाइज. डू नोट इट गाइज, लास्ट स्टेप इज CTA, कॉल टू एक्शन. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रॉपर कॉल टू एक्शन नहीं लिखते हैं. नाउ व्हाट इज कॉल टू एक्शन? कॉल टू एक्शन ये है, वॉट इज योर मार्केटिंग गोल ऑफ मेकिंग दिस पेज. आपने इस पेज को क्यों क्रिएट किया है, आप इस पेज से ट्रैफिक कहाँ ड्राइव करना चाहते हो. अगर तो आपको सिंपली फॉलोअर्स चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉलो मोर. राइट. अगर आपको चाहिए कि आपको बहुत सारे लाइक आपको क्लाइंट्स चाहिए तो आप लिख सकते हो DM me फॉर हायरिंग माई सर्विसेज. राइट. आप लिख सकते हो कि आप मेरी सर्विसेज को हायर करने के लिए, सो इग्नोर दी स्पेलिंग्स गाइज, तो हायरिंग माई सर्विसेज. और अगर मान लेते हैं कि आपको आपके यूट्यूब चैनल की तरफ ट्रैफिक ड्राइव करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन फ्री, और मैंने नीचे अपनी यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, तो इससे स्पेसिफाई होता है मुझे वीकली 400-500 लिंक क्लिक्स आते हैं मेरे इंस्टाग्राम से कि लोग मेरे बायो में से लिंक क्लिक करके मेरे यूट्यूब पे जाते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. इसका मतलब मुझे हफ्ते में 400-500 क्लिक्स मिल रहे हैं, दैट आई एम गेटिंग अ वेरी गुड ट्रैफिक फ्रॉम माई इंस्टाग्राम टू माई यूट्यूब चैनल. तो ऐसे ही आपको डिसाइड करना है कि आप अपने इंस्टाग्राम ट्रैफिक को कहां भेजना चाहते हो. अगर आप सिंपली फॉलोअर्स चाहते हो तो आप फॉलो लिख दो. अगर आप यूट्यूब पे भेजना चाहते हो तो आप लिख दो कि वॉच माय वीडियोस और लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन फ्री, या जो भी आप अपने यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो. अगर आप क्लाइंट्स चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि DM me फॉर हायरिंग माई सर्विसेज, या DM me वी कैन डिस्कस अ प्रोजेक्ट और एनीथिंग. अगर आप चाहते हो कि आपने मान लो यू हैव मेड अ कोर्स, आपने कोई कोर्स क्रिएट किया है और आप किसी भी एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे अपने यूजर्स को लेके जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे कि कोई कोर्स है तो आप लिख सकते हो गेट अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. राइट. साइन अप, तो आप लिख सकते हो कि साइन अप करो, साइन अप फॉर योर ईमेल, या फिर साइन अप फॉर द पेज, और वहां पे आप अपने लैंडिंग पेज का लिंक डाल सकते हो. सो दीज आर सम ऑफ द कॉल टू एक्शंस व्हिच यू हैव टू इंक्लूड. एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे डोंट इंक्लूड अ लिंक, वो कोई भी लिंक नहीं इंक्लूड करते हैं. बट लेट मी टेल यू, अगर इंस्टाग्राम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू इंक्लूड अ एक्सटर्नल लिंक इन योर बायो, एंड इफ यू आर मिसिंग इट गाइज, यू आर मिसिंग अ लॉट.
कुछ बात नहीं, अगर आपके पास YouTube का लिंक नहीं है, आपके पास Facebook प्रोफाइल है, यू कैन ऐड योर Facebook प्रोफाइल. आप सिंपली नीचे लिखो एड मी ऑन Facebook और लाइक नीचे Facebook का लिंक डाल दो. आप अपनी LinkedIn प्रोफाइल बना लो, Twitter पे भेज दो. तो बहुत सारे लिंक्स होते हैं जो कि आप ऐड कर सकते हो गाइज, बट डू एड अ लिंक. यहाँ चौथे स्टेप से पता लगता है कि वॉट इज योर कॉल टू एक्शन, वॉट इज योर मार्केटिंग गोल, आप क्या करना चाहते हो, आप अपने ट्रैफिक को कहाँ भेजना चाहते हो. तो यहाँ पे मैंने क्लियर अपना CTA लगाया है कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन फ्री, और मैंने अपने YouTube चैनल का लिंक दिया है. सो दीज वर सम ऑफ द लाइक एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई साइड कि आप किस तरीके से कॉल टू एक्शन को इंक्लूड कर सकते हो. सो गाइज आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर कि इन चार सिंपल स्टेप्स के अंदर आप अपनी परफेक्ट Instagram बायो क्रिएट कर सकते हो, और वो भी विद इन 5 or 10 minutes, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट. सो दीज वर द 4 steps, वेरी सिंपल, वेरी क्रिएटिव एंड वेरी यूनिक. तो अब मैं अपनी बायो को बंद कर देती हूँ. यहाँ पे आपको आपका लिंक डालना है. मैं आपको एक प्रोफाइल और एग्जांपल दिखाना चाहूँगी जो कि मेरा फेवरेट क्रिएटर है और जिनसे मैंने सीखा है कि लाइक Instagram बायो कैसे अट्रैक्टिव बनाई जाए. सो देव तालास, ही इज़ वन ऑफ द अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर. अगर आप इनकी बायो को देखो तो पहला स्टेप क्या है, मेडिकल, पहली बात इन्होंने अपने नाम के साथ Instagram मार्केटिंग लिखा है, इसका मतलब ऑब्वियसली ही हैज़ इंक्लूडेड द कीवर्ड. फर्स्ट लाइन में इन्होंने लिखा है मेडिकल स्टूडेंट टर्न Instagram डॉक्टर, यानी कि ये बता रहे हैं कि मैं एक Instagram डॉक्टर हूँ, राइट. सेकेंड लाइन में इन्होंने लिखा है आई टीच Instagram टू एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि इन्होंने बिल्कुल क्लियरली स्टेट कर दिया है कि मैं बिजनेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स को Instagram मार्केटिंग सिखाता हूँ, राइट. सो नाउ कम्स योर अथॉरिटी ट्रस्ट योर सक्सेस स्टोरी, ओवर 300 स्टूडेंट्स टॉट. सो ही इज टेलिंग यू कि आपको 300 स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी टीच कर चुके हैं. एंड द लास्ट इनका CTA है Instagram कोर्स, 1-to-1 कोचिंग एंड मोर, एंड देयर इज अ लिंक. सो गाइज आई थिंक आपको इन 4 steps से इजिली समझ आ गया होगा कि आपको एक परफेक्ट बायो कैसे क्रिएट करनी है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा. तो ये सिंपल 4 steps थे, हु आर यू, हाउ यू कैन हेल्प पीपल, and what is your success story, and the last step is the call to action. So don't worry, agar aapne in 4 steps ko note down nahi kiya hai, so you can easily copy these steps from my description below. I will be writing each and everything very clearly and in detail in my description below. So thank you so much for watching this video, and please guys, agar aapne apni Instagram bio abhi tak create nahi kari hai, to please in 4 steps ko follow karo aur aaj hi jaake apni perfect Instagram bio create karo. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो. और अगर आपके पास और भी कोई आइडिया है टू क्रिएट एन Instagram बायो, तो आप मुझे सजेशंस भी भेज सकते हो. तो ऑल दी सजेशंस आर वेरी मच वेलकम. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल एंड अप दिस वीडियो विद अ वेरी पॉजिटिव नोट, सैट गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स. एंड बिफोर गोइंग आई विल रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट्स अ वेरी ग्रेट मोटिवेशन जब आप लोग मेरी वीडियो लाइक करते हो, उस पर कमेंट करते हो. तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लिंक लाइक द बेल बटन, सो दैट आपको नोटिफाइड हो जाए वेन एवर माई न्यू वीडियो विल बी कमिंग. सो डोंट वरी, मैं Instagram मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोज लाने वाली हूँ, जिसकी वजह से योर Instagram मार्केटिंग और यू विल गेट द डबल फॉलोअर्स, और आपका Instagram बहुत अच्छा हो जाएगा. सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियोज एज वेल. सो गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो बाय बाय गाइज.